सो गाइस नमस्कार, इस नए वीडियो में स्वागत करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे मगध यूनिवर्सिटी के वैसे छात्र जिनका सेशन 18 से 21 है, उन सभी स्टूडेंट के लिए जिनका एग्जाम पार्ट वन के हो चुका था, लेकिन उन सबको बेसब्री से इंतजार है कि सर मेरा रिजल्ट कब आएगा। यानी बीए बीएससी बीकॉम पार्ट वन का एग्जाम हो चुका है, लेकिन उनका रिजल्ट कब आएगा। तो आप लोग का बहुत सारा कॉमेंट होने के कारण से मैं इस वीडियो को बनाना पड़ रहा। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे आप लोग का रिजल्ट कब जारी होगा, और उसके बाद में बात करेंगे आप लोग बस लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाले हैं कि आप लोग का पार्ट वन का लिंक एक्टिवेट हुआ है नहीं मगध यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो का अपडेट सबसे पहले फास्ट आपको मिलते रहते हैं। तो बिना टाइम पास की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं मगध यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर चुके हैं, तो आप लोग इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके आप इस साइट पर आ सकते हैं। जैसे इस साइट पर आइएगा तो आपके पास इस तरह इंटरफेस मिलेगा, तो आपको सिंपल सी इस तरह आ जाना है। और यदि आपके पास इस तरह यदि नहीं आता कंप्यूटर जैसा वर्क, तो आपको डेस्कटॉप साइड मोड आपको कर लेना है। तो डेस्कटॉप साइड मोड आपको कैसे करना है, तो आपको थ्री डॉट पर जाना है, जैसे आपके कॉर्नर में दिखाई देता होगा। तो जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं मैं ऑलरेडी पहले से किया हूँ, इसलिए मेरे पास उस तरह आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैं ओके कर चुका हूँ। यदि इसको अनटिक करते हैं तो देख सकते हैं किस तरह होम पेज आ जाएगा। यदि आप सबसे पहले ओपन कीजिएगा तो आपके पास इस तरह आएगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले डेस्कटॉप साइड मोड कर लेना है। तो जैसे आप डेस्कटॉप साइड मोड कर लेते हैं तो आपके पास इस तरह इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो मैं इस वीडियो में बात करेंगे आप लोग के पास जो पार्ट वन बीए बीएससी बीकॉम पार्ट वन का लिंक एक्टिवेट हुआ या नहीं रिजल्ट वाला सेशन में। तो चलते हैं रिजल्ट वाला सेशन में, दिखाई देते हैं आप लोग के पास कि एक्टिवेट लिंक हुआ या नहीं। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके पास इस तरह इंटरफेस ओपन हो जाएगा, और आप लोग यहाँ पार्ट वन का रिजल्ट भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक कीजिएगा उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं एम एस सेमेस्टर वन एग्ज़ाम का लिंक एक्टिवेट है यहाँ पर, उसके बाद एम कॉम सेमेस्टर वन और एम कॉम सेमेस्टर थर्ड, एम कॉम सेमेस्टर वन, एम एस सी सेमेस्टर वन और वोकेशनल पार्ट वन का यहाँ पर देख सकते हैं लिंक एक्टिवेट हो चुका है, यानी वोकेशनल पार्ट वन का रिजल्ट भी जारी हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं वोकेशनल पार्ट टू का भी यहाँ लिंक एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं बीए पार्ट थर्ड यानी जिनका सेशन 17 से 20 था, उनका रिजल्ट हाल ही फिलहाल में अभी दे दिया, जिन जो तुम लोग से पहले एग्ज़ाम लिया था, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं बीकॉम पार्ट थर्ड और बीएससी पार्ट थर्ड सबका रिजल्ट जारी कर रहा है मगध यूनिवर्सिटी धीरे धीरे। तो अभी बचा है सिर्फ आप लोग का पार्ट वन का स्टूडेंट के लिए। तो आप लोग का रिजल्ट अभी तक लिंक आप लोग का एक्टिवेट नहीं किया, आप लोग को बस देख लिए होंगे कि वोकेशनल पार्ट वन का लिंक एक्टिवेट कर दिया है। तो आप लोग का लिंक एक्टिवेट जल्द होने वाले हैं, तो कब आप लोग का रिजल्ट आने का चांस है तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने वाले हैं। तो देख सकते हैं आप सभी का रिजल्ट मार्च का फर्स्ट वीक में आने का पूरा चांस है। तो आप लोग के पास जितना भी कन्फ्यूजन होगा पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा, आप सभी का रिजल्ट मार्च का फर्स्ट वीक में आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं मगध यूनिवर्सिटी ने अभी पार्ट थर्ड का रिजल्ट क्लियर कर चुका है, और जरा भी जो पेंडिंग वाला लफड़ा चल रहा है तो वो भी क्लियर करने के बाद आप सभी का रिजल्ट जल्द से जल्द प्रकाशित किया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को लेके आएंगे कि बीए और बीएससी बीकॉम कितना प्रतिशत अभी ओमार्कशीट जाँच हुआ है कंप्यूटर मशीन से। तो आप लोग वीडियो को जरूर से ज़रूर देखना, और वीडियो को लाइक भी कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो का अपडेट सबसे पहले फास्ट आपको मिलते रहते हैं। तो आते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।